वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और हिस्ट्री के सेशन में लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे सप्तांग थ्योरी जो थी, ठीक है, जो सप्तांग थ्योरी थी किसके द्वारा दी गई थी, एक तरीके से कौटिल्य के द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार किसी स्टेट को, कोई स्टेट या कोई राज्य जो है सेवन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, वो सेवन एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, सप्तांग थ्योरी। कौन कौन सी है, स्वामी यानी किंग, वो किसके इक्विवेलेंट है, हेड ऑफ द स्टेट। फिर आता अमात्य या आईज ऑफ द स्टेट है, राज्य की आंखें हैं, ठीक। जनपदा मीन्स टेरिटरी, ये थाइज ऑफ द स्टेट है, दुर्ग फोर्ट वो क्या है, आर्म्स है स्टेट या राज्य की। कोश क्या है, माउथ है स्टेट का, मुख है। सुहृदय क्या है, मित्र यानी फ्रेंड्स आर द ईयर्स ऑफ स्टेट, दोस्त क्या होते हैं, कान होते हैं राज्य के, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में दंडा मीन्स आर्मी, वो क्या है, मस्तिष्क है राज्य के या स्टेट के। फिर हमने देखा था, ये थी आपकी सप्तांग थ्योरी। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो है ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये क्या डिस्क्राइब करती है, ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती थी। कौटिल्य ने शूद्र को क्या बोला, आर्य बोला, पहली बार शूद्रों को आर्य बोलने वाले कौन थे, कौटिल्य थे, ठीक है। उनके टाइम पे, उनकी परमिशन से, या फिर हम कहेंगे कि कौटिल्य के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, आर्य यानी शूद्र भी आर्मी में रिक्रूट होते थे, ठीक। रेवेन्यू क्या था, 1/6 ऑफ द शेयर, 1/6 भाग शेयर जो है रेवेन्यू के रूप में जो है दिया जाता था। अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे, मेगास्थनीज की इंडिका। अब इंडिका एक जो पुस्तक है, जो किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुट अप हो चुका है कि इंडिका जो किताब है किस, उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। अब मेगास्थनीज कौन थे, ये एम्बेसडर थे, ठीक है, राजदूत थे किसके, सेल्यूकस के, ठीक है। वो लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। कब से कब तक रहे, 304 BC से लेके 299 BC, 5 साल, ठीक। रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बुक। अब इस बुक से जो है कैसी जानकारियां हमें मिलती है, कैसी कैसी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो इस बुक से स्टूडेंट्स हमें चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपना राज्य कैसे संभालते थे, ठीक है, उनमें कैसे कैसे जो है उन्होंने अपने राज्य को संभाला, उनके पावर्स के बारे में, उनके राज्य जो फैला था कितनी दूर तक था, यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केट, उनकी मार्केट पॉलिसी, उनके हॉस्पिटल पॉलिसी, हर चीज के बारे में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस किताब में जानकारी मिलती है, ठीक। दिस बुक इज नॉट ओरिजिनली अवेलेबल। डॉक्टर स्वानवेग फर्स्ट कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड ऑल दिस कोट्स इन 1846 AD। अब ओरिजिनली ये बुक तो अभी अवेलेबल नहीं है, पर डॉक्टर स्वानवेग ने क्या किया, इसको पहली बार पब्लिश किया था इसके कोर्स को 1846 AD में, ठीक है। इन 1891 AD सर मैक्रेडल ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। 1891 में सर मैक्रेडल ने क्या किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन मेगास्थनीज इंडिका, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाटलिपुत्र सिटी। अब जो सिटी है, जो शहर था पाटलिपुत्र, उसके बारे में बहुत उल्लेख है आपके किसमें, मेगास्थनीज की इंडिका में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पुट अप हो चुका है कि जो हमारी सिटी है, ठीक है, पाटलिपुत्र, उसका उल्लेख, उसके बारे में हम किस बुक से जान सकते हैं, कौन से टेक्स्ट रेलेवेंट है, तो मेगास्थनीज की इंडिका में हम पाटलिपुत्र सिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, इन इंडिका पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब इन डिटेल। अकॉर्डिंग टू हिम पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड ऑन द गंगा एंड सोन रिवर एंड वाज द लार्जेस्ट सिटी इन ईस्टर्न इंडिया। अब इस किताब के अनुसार पाटलिपुत्र गंगा और सोन रिवर के किनारे बसी हुई सिटी थी, शहर था, और वो सबसे बड़ा जो है शहर था पूरे ईस्टर्न इंडिया का। अब दिस सिटी वाज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स फ्रॉम ऑल द राउंड्स। अब पूरे तरफ से, चारों ओर से ये बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से, तरीके से प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं, उस सिटी को दी गई थी। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द किंग यूज्ड टू कलेक्ट 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो लैंड का कर था यानी लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, वो कितना था, 1/4, एक चौथाई हिस्सा जो है लैंड रेवेन्यू जो है कर के रूप में देना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज देयर वर एक्सीलेंट गोल्ड माइंस इन इंडिया, ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्लेस फेमस फॉर गोल्ड माइंस एज दर्दिस्तान, कश्मीर। अब मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार बहुत सारी जो है
गोल्ड माइंस थी भारत में, सोने की खदानें बहुत सारी थी भारत में, और एक फेमस गोल्ड माइन उन्होंने कहाँ पे जो है बताया है या डिस्क्राइब किया, तो दर्दिस्तान जो कि है कश्मीर में, वहां पे बहुत फेमस गोल्ड माइन या सोने की खदान का उल्लेख है किसमें, मेगस्थनीज की किताब इंडिका में। ठीक है, आई होप पूरा डिटेल में हमने इंडिका किताब के बारे में जान लिया। इसमें से दो तीन क्वेश्चन मुख्य मुख्य पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला तो मेगस्थनीज की इंडिका लिखी किसके द्वारा गई, मेगस्थनीज, उसमें उल्लेख किस राज्य के बारे में है, किस राजा के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। मेगस्थनीज कौन थे, सेल्यूलस के एम्बेसडर थे। किस सिटी के बारे में उल्लेख है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कौन कौन से रिवर्स के किनारे थे, गंगा और सोन। अब लैंड का कर कितना दिया जाता था, 1/4, और गोल्ड माइंस सबसे फेमस कहाँ थी, दर्दिस्तान कश्मीर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।